और अगली बड़ी खबर भी मुंबई से जुड़ी हुई है, जहां से बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मौसम खराब है और लोग परेशान हो रहे हैं। जी हां, और इसका असर बाइक पर भी पड़ा है। जी हां, मुंबई में बारिश बेहिसाब है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान हैं, फ्लाइटों पर भी इसका असर पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सितंबर के महीने में सितम देखिए कैसे जा रहा है, मुंबई में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। रेड अलर्ट के बाद 14 उड़ानें जो हैं वो डाइवर्ट की गई हैं। वहीं तो खराब मौसम की वजह से 7 विमान जो हैं वापस लौट आए गए हैं। तो देखिए, हर जगह मुंबई में पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है वो नहीं आ रही क्योंकि ट्रैक पर पानी भर गया, तो वहीं देखिए एयरपोर्ट पर भी पानी भरा है और बारिश की वजह से 14 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, जबकि खराब मौसम की वजह से 7 विमान वापस लौटे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुंबई, पालघर, धुले, सतारा में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और ये जानकारी दी कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जलगांव, सोलापुर में भी तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। महाराष्ट्र के कई जिले, चाहे मुंबई की बात हो, पुणे की बात हो, ठाणे की बात हो, लगातार वहां पर बारिश हो रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फ्लाइट पर इसका असर पड़ा, रेल यातायात पर इसका असर पड़ा, तो वहीं सड़कों पर भी जो वाहन है वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, महाराष्ट्र में अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और ये चेतावनी दी है कि जलगांव, सोलापुर में भी तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा मुंबई, पालघर, धुले, सतारा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया, जहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मैं यहाँ फंसा हूँ दो घंटे से माहिम से यहाँ तक आया 2 घंटे, कस्टमर छोड़ के रोड गाड़ी चला गया, वापस में जा रहा हूँ चेंबूर। अभी आमतौर पे कितना टाइम लगता है? आमतौर पे 20 मिनट। सर मैं एक जगह 45 मिनट ऑलरेडी खड़ा रहा, 500 मीटर जाने के लिए मेरे को 45 मिनट ऑलरेडी एयरपोर्ट के इधर लगे। ट्रेन का ही प्रॉब्लम, पानी का ही प्रॉब्लम है, पानी भरा है, ट्रेन नहीं जा रहा है, बोलेंगे बोल के भी कुछ मतलब नहीं है, कुछ होता तो है नहीं। थोड़ा थोड़ा स्लो चल रही थी, आराम से हम लोग आए यहाँ तक, यहाँ आके ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इधर पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी मैंने लगा दी, ट्रेन पकड़ा तो ये ट्रेन अभी GTB से चूना भट्टी के बीच में रुक गई है। आगे पीछे ना कोई, अभी कुर्ला तक जाने को भी इधर से 2200 रुपए कैब वाले मांग रहे। तो देखिए, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई, ठाणे, पुणे समेत कई जिले बारिश के पानी से हलकान हैं, सड़कें दरिया बन गई है, तो घरों में भी पानी ने कोहराम मचा दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुंबई में बारिश से मचा हाहाकार, थम गई माया नगरी की रफ्तार, दरिया बनी सड़कें, रेल पटरियों पर सैलाब। ये माया नगरी है जहां जाते जाते सितंबर का सितम देखने को मिल रहा है, जहां आसमान से बरसती आफत ने कोहराम मचाया हुआ है। बुधवार शाम से हो रही बारिश से मुंबई हलकान है। कुर्ला, नेहरू नगर, चूना भट्टी, चेंबूर, घाटकोपर, हर तरफ पानी से हाहाकार मचा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे और पुणे में आफत की बारिश हो रही है। ये मुंबई का चेंबूर इलाका है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि कमर से ऊपर तक पूरे इलाके में पानी भर गया और लोग उसी पानी से होकर जाने को मजबूर दिखाई दिए। बारिश से सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके में त्राहिमाम मचा है तो वो घाटकोपर, जहां एक तरफ सड़क पर घुटने तक पानी भरा था तो दूसरी तरफ घाटकोपर रेलवे स्टेशन के अंदर अलग ही नजारा था। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन के इंतजार में वैसे तो हर रोज लोगों की भीड़ होती है, लेकिन बारिश होने पर घाटकोपर रेलवे स्टेशन सैकड़ों लोगों से पटा नजर आया। सीढ़ी से लेकर प्लेटफॉर्म तक लोगों का सैलाब नजर आया। वहीं दूसरी तरफ चूना भट्टी रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक डूब गया, जिसके चलते ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा और लोग उसी ट्रैक से होकर गुजरते मजबूर दिखाई दिए। नेहरू नगर और कुर्ला ईस्ट में भी बारिश का सितम देखने को मिला। आसमानी कहर ऐसा कि निचले इलाके दरिया बन गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और नतीजा पानी ने घरों के अंदर घुसपैठ कर दी।
इंद्रदेव का गुस्सा सिर्फ मुंबई पर ही नहीं दिखा, आर्थिक राजधानी से सटे ठाणे पर भी असर हुआ। जहां भिवंडी में सड़के दरिया बनी तो कार और बाइक को डूबते वक्त नहीं लगा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। मुंबई में हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है वो घर पर ही रहें, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ बिजली और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच बीएमसी कमिश्नर लगातार कंट्रोल रूम में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। उधर खराब मौसम को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया, वहीं 7 फ्लाइट्स को वापस लौटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। आज पुणे का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर आपको बता दें शिवाजी नगर से स्वार गेट तक मेट्रो को दिखाएंगे। आपको बता दें नई मेट्रो लाइन के भूमि पूजन के समारोह का भी आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज पुणे दौरे पर रहेंगे मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शिवाजी नगर से स्वार गेट मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा नई मेट्रो लाइन के भूमि पूजन समारोह का भी आयोजन नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, पुणे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर नई मेट्रो लाइन के भूमि पूजन समारोह में वो शिरकत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें शिवाजी नगर से स्वार मेट्रो को भी दिखाएंगे हरी झंडी। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, और बेहद खास ये सत्र रहने वाला। कहा जा रहा है कि दोनों दिन हंगामेदार हो सकते हैं। आतिशी सरकार के गठन के बाद ये सत्र बुलाया गया है। तो देखिए विशेष सत्र 2 दिन का दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया और आज से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। आज और कल 2 दिन का यह सत्र होगा। विधानसभा सत्र में हंगामेदार होने के आसार है। आतिशी सरकार के गठन के बाद ये विधानसभा सत्र बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि जोरदार हंगामा इस सत्र में हो सकता है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस सत्र बुलाया गया, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों दिन हंगामा हो सकता है दिल्ली विधानसभा में। तो 2 दिन का विशेष सत्र आज से दिल्ली विधानसभा के लिए आज से शुरू हो रहा है।